एनवीडिया नाम तो सुना ही होगा। नाम सुन के आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? इनके जीपीयूज, इनके पावरफुल जीपीयूज, जिसके बिना गेमिंग इज हार्ड टू इमेजिन। बट ये शैडो बनाने वाली कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि इसने $1 trillion का मार्केट कैप क्रॉस किया है। के लिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, उसके बाद समझना पड़ेगा ये पैसे कैसे कमाता है और फ्यूचर में इसको कहीं धोखा तो नहीं है। और कंपनी और उसका स्टॉक देखे तो एक टाइम पे बैंकरप्ट होने वाली कंपनी कैसे ये $1 trillion मार्केट कैप क्रॉस करती है। एंड वो भी आपको लग रहा होगा कि खाली ये गेम खिलवा के कैसे $1 trillion ले गई। बट मेरे भाईयो, आपका आधा सोचना तो सही है बट उसके बाद का पूरा गलत है, क्योंकि ये कंपनी कुछ ऐसी चीजें कर रही है जो आपको पता तक नहीं और ये आपका पूरा लाइफ हिलाने वाला है। तो इसकी शुरुआत होती है 1960s-70s से, जब कंप्यूटर एक्सपर्ट ये सोचते कि आगे एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग कैसी होगी। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग सुनने में तो अच्छा लगा बट समझा नहीं। तो देखो, आपने ऑटोनोमस कार सुना होगा, क्रिप्टो माइनिंग सुनी होगी, ये सब इसी के अंदर आता है। उसके बाद AI बेस्ड सर्वर सर्विसेज और LLM ट्रेनिंग। बट ये मुकाम हासिल करने से पहले ये लोग यहां तक पहुंचे कैसे? पहले तो पूरा लोड CPU पे था, मतलब जो दिखाना है वो भी CPU दिखा रहा है और जो कंप्यूट करना है वो भी CPU कर रहा है। बट आफ्टर दैट पॉइंट जब इन तीनों को ऐसे लगा कि यार एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, CPU को अपना काम करना चाहिए और GPU ने अपना काम करना चाहिए, और जब सब सोच रहे थे कि फ्यूचर में एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग कैसी होगी, तब इन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि वो ग्राफिक बेस्ड होगी। तो देखो, जेनसन वोंग और उनके दो दोस्तों ने $40,000 डाल के एनवीडिया फॉर्म की थी। अभी एनवीडिया ने शुरू करा अपना पूरा काम, एनवीडिया बनाने लगी GPU, जिससे कि CPU का काम हल्का हुआ, CPU और ज्यादा टास्क कर सका और GPU के काम ये ज्यादा एफिशिएंटली कर रहा था। बट देयर वाज अ कैच, ये अभी भी सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग पे चल रहा था जो कि उस टाइम पे फास्ट था, पर एक्चुअल में ये इतना फास्ट नहीं था और एफिशिएंट भी नहीं था। तो इनका गेम चेंज तब हुआ जब इन्होंने ग्राफिक कंप्यूटिंग में लाया कूड़ा। तो मैंने आपको पहले बोला था कि सब कुछ चल रहा था सीरियल कंप्यूटिंग पे, और जैसे ही इन्होंने कूड़ा लाया, कूड़ा इनकी वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये GPU पे पैरेलल कंप्यूटिंग कर पाता है। मतलब एक बात समझो कि चार अगर टास्क, जो कि पहले के टाइम पे पहला एक कंप्लीट, दूसरा एक कंप्लीट, तीसरा एक कंप्लीट, चौथा एक कंप्लीट, ऐसे होता था, पर जैसे ही इन्होंने अपनी कूड़ा वाली टेक्नोलॉजी लाई, वैसे इनके एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को जब अपना Xbox निकालना था, तभी ग्राफिक कार्ड एनवीडिया से लिए थे, एंड तभी का एक्सबॉक्स वाज अ ह्यूज हिट, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स थे एनवीडिया के, वो 3D स्पेस में अच्छे से रेंडर कर पाता था, मतलब गेम्स बहुत अच्छे से चले और लुक भी गेम का इंप्रूव हो गया। पर देखो, ये तीनों जो थे ना, वो काफी होशियार थे, इनको पता था कि अगर टेक्नोलॉजी अपन बनाएंगे, अपने पास दिमाग है, अपन टेक्नोलॉजी इजीली बना देंगे, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में बार बार बहुत पैसे लगते हैं। मतलब जितनी बार मैन्युफैक्चर करो, नई मशीन आ गई, नई मशीन ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा ज्यादा जा रहा है। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करी ताइवान बेस्ड TSMC को। TSMC कौन नहीं जानता आज के दिन? अगर आपको नहीं पता TSMC क्या है, TSMC एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सारे फैब लैब ओन करती है। फैब लैब मतलब जिनमें चिप्स बनते हैं। एंड टू दिस डे TSMC के प्रोसेसर बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। तो एनवीडिया ने बनाई टेक्नोलॉजी, TSMC को बोला कि भाई तू मैन्युफैक्चर करेगा और चिप पे नाम हमारा डालेगा। इसीलिए जब भी आप एनवीडिया का GPU खोलते हो तो अंदर चिप पे एनवीडिया का नाम मिलता है। और क्योंकि ये खाली टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करते, तो इनका काफी ज्यादा कॉस्ट बच गया, जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, जो TSMC बेहतरीन करती है। तो टाइम बीतता गया, दौर बीतता गया, और इनके नए नए ग्राफिक कार्ड आते गए जो पहले से ज्यादा पावरफुल थे। बट इनका गेम एक्चुअल में तब चेंज हुआ जब इन्होंने लॉन्च करा अपनी RTX सीरीज, और मेनली वो ग्राफिक कार्ड RTX 2080, क्योंकि तभी के टाइम पे कोई भी नहीं था जो कि रे ट्रेसिंग कर पाता था। एंड फॉर दोज हु डोंट नो रे ट्रेसिंग क्या है, एंड हां, मेनली वो रे ट्रेसिंग नहीं होता है, वो होता है रे ट्रेसिंग, और उसकी वजह से प्रेडिक्शन में काफी ज्यादा हेल्प होती है, और उसी के कारण ये रे को ज्यादा अच्छे से ट्रेस कर पाता है और रिफ्लेक्शंस काफी अच्छे निकल के आते हैं। इसीलिए जब भी आप RTX पे गेमिंग करो, गेम हमेशा मस्त चलता है। तो देखो, इसकी RTX वाली सीरीज गेम तो काफी अच्छे चला लेती थी, बट इनकी टारगेट ऑडियंस तो थोड़ी अलग ही थी, जिनके पास अच्छा खासा पैसा और वो ये चीज एक प्रोडक्शन में लगाना चाहते हैं। और उसी की वजह से RTX मेनली यूज होता है आर्किटेक्चरल वर्क में, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, गेम डिजाइनिंग तो खैर आ ही जाता है उसमें, बट वीडियो प्रोडक्शन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में RTX सीरीज यूज होने लगी, जहां पे GTX हक देता था। तो देखो, इतना सब ये करते हैं, तो चलो देख लेते कि इनका एक्चुअल में रेवेन्यू कहाँ से आता है, जितना पैसा ये कमा रहा है वो आ रहा कहाँ से है। तो देखो, 58% इनका मेन बिजनेस जो कि GPU बेचने से आता है, और फिर वो GPU कोई भी खरीदे, नॉर्मल पर्सन या फिर कोई फर्म, बट द मेन पावर लाइज हियर 42% में, और 42% में आता है AI पावर डेटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। अगर एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग नहीं समझा तो समझो सेल्फ ड्राइविंग कार, क्रिप्टो माइनिंग और ये सब में यूज होता है। बट भाई मुझे एक चीज बता, क्रिप्टो का बूम तो अभी गया, काफी नीचे आ रहा है, ज्यादा कोई तो करता नहीं है, तो इनका GPU बिक कैसे रहा है? देखो, क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, बट आपको एक्चुअल में पता नहीं है कि ये एक्चुअल पैसा बना कहां से रहा है। तो देखो, आप जो भी LLMs देखते हो ना, ChatGPT, Gemini, वो खाली सॉफ्टवेयर है, उसे एक्चुअल में चलाता कौन है? NVIDIA का हार्डवेयर, which is mainly known as A100 चिप है। और ये A100 चिप अकेला नहीं बिकता, ये बिकता 8K स्टैक में, जो कि बनता है एक सर्वर बोर्ड, which is well known as DGX A100, जो बिकता है $20,000 का। और OpenAI और Microsoft अराउंड 10 to 20,000 of these units यूज करते हैं
अपने LLM को ट्रेन करने के लिए। तो आप ही सोचो कि जैसे जैसे AI आगे बढ़ेगा, LLMs आगे बढ़ेंगे, तो इनकी जरूरत कितनी पड़ेगी। मतलब इन दैट रेस वेयर एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड द सॉफ्टवेयर, NVIDIA चोज टू डिजाइन द हार्डवेयर दैट विल रन दैट सॉफ्टवेयर। और उसी की वजह से जब सब गोल्ड की तलाश में, NVIDIA इज एंजॉयिंग बाय सेलिंग शॉवल्स। तो अभी आपको पता चला कि कौन सी कंपनी फादर ऑफ AI है, तो क्या NVIDIA का स्टॉक अभी लेना चाहिए? तो देखो सिंपल सी बात है, जो चीज सब ले रहे वो लेने का सेंस कोई बनता नहीं है। थोड़ा सा करेक्ट होने दो, थोड़ा सा नीचे आने दो, फिर सही वैल्यूएशन अगर मिल रही है तो यू कैन प्रोसीड। और वैसे भी 2024 में तो मार्केट क्रैश आने ही वाला था ना, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ओनली 40% होती है। एंड दोज़ हु नो द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उन्हें ही पता है कि NVIDIA एक्चुअल में कर क्या रही है। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है, ये आप हमें कमेंट सेशन में बताइए। और क्या आप NVIDIA का स्टॉक होल्ड करते हैं और कभी से, ये भी जरूर से बताइए। क्योंकि AI का बूम बढ़े ना बढ़े, नॉलेज का बूम कभी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मनी पंडित को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक जरूर से करो, क्योंकि वो सब्सक्राइब बटन आपकी ज्यादा ना करे बट हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है।